हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल बीएससी विथ नीट। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल और आपकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। और ये जो आप देख रहे हो ना, ये ओएमआर सीट का मैं जीरोक्स ले लिया हूँ, जो कि आपको पता है कि जो न्यू पैटर्न हो गया है नीट का एग्ज़ाम देने का। इसमें 200 क्वेश्चंस होते हैं और 3 आवर्स 20 मिनट्स का टाइम होता है। तो उसी के बेसिस पे ऐसा ओएमआर सीट आने लगा है, तो मैं इसी का जीरोक्स ले लिया हूँ ताकि मैं इस पर प्रैक्टिस कर सकूँ। तो प्रैक्टिस करने के लिए है ये। और ये जो आप देख रहे हो, ये शॉर्ट नोट्स हैं, जो कि ये डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन का, डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन का ये है। और यहाँ पे थर्मोडायनेमिक्स और आयनिक इक्विलिब्रियम का है, रे ऑप्टिक्स का शॉर्ट नोट्स है, एक केमिकल इक्विलिब्रियम का है, और ये शॉर्ट नोट्स जो है ये रे ऑप्टिक्स का है ये वाला। तो सारे को मैं पाइल अप कर लिया हूँ। ये सारे का शॉर्ट नोट्स है और ये वर्क एनर्जी एंड पावर का शॉर्ट नोट्स है। इसको मैं जीरोक्स किया हूँ, जैसा कि मैं आप लोग को पहले ही बता दिया था कि मैं यकीन टू में इनरोल्ड हूँ। मेरी प्रिपरेशन उसी से चल रही है, ऑनलाइन तैयारी मैं कर रहा हूँ, मैं वही बैच से मैं पढ़ाई करता हूँ। तो उस ऐप पे उन जो है क्या कहते हैं कि शॉर्ट नोट्स भी अवेलेबल था 11th और 12th का। तो ये मैं उसी से लेके उसको प्रिंट आउट करा लिया हूँ, जो कि मुझे काफ़ी हेल्प मिल रहा है उससे। और मैं नोट्स तो अपना क्लास का रेगुलर बनाया हूँ, लेकिन वो काफ़ी 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 ज़्यादा लंबा नोट्स है। मैं आपको दिखाता हूँ, एक मिनट, ये देखो। मतलब पूरा मेरा कॉपी, इतना मोटा मोटा जो कॉपी है ना, इसमें एटलीस्ट 2 या 3, मतलब पूरा 3 चैप्टर भी इसमें पूरा हो नहीं पाया है। ये 2 चैप्टर और तीसरे का आधा ही समझ लो उतना ही हुआ और पूरा भर गया। यानी कि काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस और जो नोट्स होते हैं वो करवाए जाते हैं, जो कि हमारे ही अच्छे के लिए। और मुझे उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट एट द एंड वो रिवीजन करने के लिए काफ़ी प्रॉब्लम करेगा, क्योंकि इतना मैं पढ़ नहीं पाऊँगा लास्ट में रिवीजन के टाइम। तो उसको इसलिए शॉर्ट नोट्स तो ज़रूरी है। अगर आपको टाइम मिल रहा है अपना बनाने का, तो आप पूरा चैप्टर रिवाइज करके बना लो। बट मुझे ये भी सही लगा, तो मैं अपना इसको जीरोक्स करवा के अपना इसको रख लिया हूँ। अपना इसको भी पढ़ते रहूँगा और देखते रहूँगा। और इंडिया, आप लोग के बहुत सारे क्वेश्चंस भी आते रहते हैं, जैसे कि आप लोग मुझे बहुत कमेंट करते हो इस चीज़ के लिए कि मैं कैसे मैनेज करता हूँ बीएससी के साथ अपनी नीट की तैयारी, क्या ये हो जाता है, या टाइम किस तरीके से मैनेजमेंट है, कब कौन सा चीज़ कब पढ़ता हूँ और लेक्चर कब अटेंड करता हूँ। और आप लोग का ये भी बहुत क्वेश्चंस है कि आप लोग मतलब किसी को अनदर कोर्स में इनरोल्ड होना चाहते हो, साथ में नीट की तैयारी भी करना चाहते हो। तो यार देखो, सब कुछ, नथिंग इज़ इम्पॉसिबल। अब इम्पॉसिबल को भी देखो, जो कि मैं बार बार कहता हूँ, तो उसमें भी है आई एम पॉसिबल। बस आपको उसको कंसिस्टेंटली और डेडिकेशन के साथ उसको करते रहना है और वो हो जाएगा। अगर आप किसी और कोर्स में इनरोल, अगर आपका ये फर्स्ट अटेम्प्ट है ना, मतलब फर्स्ट ड्रॉप है, तो मैं तो कहूँगा कि आप पार्शल ड्रॉप बिल्कुल भी मत लो। यू हैव टू टेक अ फुल ड्रॉप। जस्ट फोकस ऑन योर नीट प्रिपरेशन एंड जस्ट अवॉइड ऑल डिस्ट्रैक्शन एंड डोंट थिंक अबाउट एनी अदर कोर्स। इफ़ योर प्रियोरिटी इज़ डूइंग MBBS आर नीट, आपका प्रिपरेशन पहला प्रियोरिटी है, तो किसी दूसरी चीज़ के बारे में अभी मत सोचो। अगर पहला ड्रॉप है तो आप फुल ड्रॉप ले सकते हो और अपनी तैयारी में लग जाओ। और आपका सेकेंड या थर्ड है, तो फिर अगर किसी कारण बस आपको दूसरे में इनरोल्ड होना पड़ रहा है, तो आप ले सकते हो। यार देखो, लोग BDS और BAMS ऐसे बहुत से एग्जाम्पल्स हैं जो उसको करते हुए भी नीट का एग्ज़ाम दिए हैं और वो सेलेक्ट हो गए हैं, और उनका जो ड्रीम था ना MBBS करने का, वो पूरा भी हुआ है। एंड वी आर नॉट अ फर्स्ट वन कि हम जो एक टाइम पे दो चीज़ें कर रहे हैं, यानी कि कोई ग्रेजुएशन भी कर रहे हैं साथ में प्रिपरेशन भी कर रहे हैं। बहुत लोग कर चुके हैं यार, उन्हीं को देख के हमें भी इंस्पिरेशन है, मोटिवेशन होता है कि हम भी कर सकते हैं। और वो आपकी सिचुएशन पे भी डिपेंड होता है कि आप कर लोगे, आपके डेडिकेशन पे कि आप किस तरीके से तैयारी कर रहे हो। अदरवाइज़ टाइम पास के लिए तो मत ही लो, मैं तो बोलूँगा। आपको अगर करना है नीट की तैयारी और कोई अग्री नहीं है कि ड्रॉप ना लेने के लिए, तो ठीक है, आप इनरोल हो जाओ, साथ में उसकी तैयारी भी बहुत अच्छे से करना, बिकॉज आप दो चीज़ों की तैयारी कर रहे होगे, दो चीज़ों को पढ़ रहे होगे, तो थोड़ा वो टफ़ तो हो ही जाएगा। जाहिर सी बात है, वो टफ़ टफ़ होता है, और जो कर रहा होता है उसी को ज़्यादा अच्छे से वो चीज़ समझ में आता है कि कितना टफ़ है,
कितना इजी है। और मैं आपको ये चीज़ बताया भी हूँ कि आई एम नॉट अ रेगुलर स्टूडेंट ऑफ अ कॉलेज, आई एम डूइंग अ बीएससी फ्रॉम अ डिस्टेंस लर्निंग। जिनको नहीं पता है उनको पता हो गया होगा, आई एम डूइंग अ बीएससी फ्रॉम अ UPRTU। तो इसलिए मुझे रेगुलर कॉलेज तो जाना नहीं होता, मुझे असाइनमेंट वगैरह सबमिट करने के लिए जब भी रिकॉल होता है, अपडेट आता है, नोटिफिकेशन आता है वेबसाइट पे, तो तभी मैं जाता हूँ, जब सबमिट करता हूँ अपना काम पूरा करता हूँ। बस ये है कि जब भी बीएससी का बात आता है, बीएससी का असाइनमेंट के लिए, पेपर के लिए, तो मेरा टाइम जो मंथ होता है ना, एक दो मंथ, वो डिस्टर्ब हो जाता है, क्योंकि मुझे उसको भी टाइम देना है, बिकॉज दैट्स अ माई चॉइस, वो मैं अपने से लिया हूँ, तो उसको भी टाइम देना ही पड़ेगा। बिकॉज बीएससी का गारंटी है, बट आपका नीट का गारंटी नहीं है, ये चीज़ आपको भी अच्छे से पता है, तो उसको भी बराबर एक बार टाइम तो देना ही पड़ेगा आपने अगर इनरोल किया है। बट फर्स्ट प्रायोरिटी इज़ नीट, वी ऑल नो इट, इट्स अ वेरी क्लियर इन आवर माइंड एंड यू हैव टू क्लियर दिस इन योर माइंड, अदरवाइज यू आर जस्ट स्टफ स्टक इन अ मिड कि आपको क्या करना है, आपको समझ में ही नहीं आएगा। तो यस, अगर आप किसी और चीज़ में भी इनरोल होना चाहते हो और नीट की तैयारी भी करना चाहते हो, तो इट्स फाइन, कोई बिग इशू नहीं है, आपको बस थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा और विथ ऑनेस्टी, तब आप ज़रूर कर लोगे। और शॉर्ट नोट्स ज़रूर बनाना, वो आपको बहुत हेल्प करेगा, बहुत ही ज़्यादा। और मैं आपको बता दूं कि जब भी मेरा बीएससी का आता है, मैं उसी टाइम पे, मैं उसका एग्ज़ाम जब भी आता है ना, तो मैं तभी एक महीना पहले पढ़ना स्टार्ट करता हूँ, मैं डेली उसको नहीं पढ़ता, क्योंकि मेरा लेक्चर भी होता है ना यार क्लासेस के, तो मैं वो भी करूँगा और मेरा उतना टाइम नहीं मिल पाएगा ना, बहुत एग्जॉस्टेड हो जाता है, फिर जो पढ़ा रहते हैं आपको भी पता है, इट्स नेचुरल कि पीछे का पढ़ा हुआ भूलते भी जाते हैं, इसमें कोई शो ऑफ नहीं करना कि नहीं हम एक्स्ट्राऑर्डिनरी हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है, भूल भी जाते हैं, फिर उसको रिवाइज करना पड़ता है, देखना पड़ता है, तो उन सब चीज़ों का भी हमें ध्यान रखना पड़ता है, सब कुछ पढ़ना पड़ता है यार। और भी अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो, मुझे ज़रूर कमेंट करना, मैं आपको रिप्लाई ज़रूर दूंगा। और नए हो तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हो, मुझे जब भी अच्छा टाइम मिलेगा तो मैं काफ़ी अच्छे से वीडियो उसको बना दूंगा, आपको सारे क्वेश्चंस के रिप्लाई मिल जाएंगे। बट मुझे लगा कि मुझे काफ़ी कमेंट आ रहे थे, तो मैं ऐसे ही रैंडमली मैं बना दिया, मतलब आपकी जल्दी जल्दी में, आपका बिना टाइम वेस्ट किए मैं आपके सारे क्वेश्चन के जवाब देने का कोशिश किया हूं। बट फिर भी आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप ज़रूर पुट इन अ कॉमेंट सेक्शन, आई विल डेफिनेटली ट्राई टू रिप्लाई दैट। एंड आप शॉर्ट नोट्स ज़रूर बनाना, अदरवाइज़ आपके पास नहीं है तो आप मुझे बता देना, मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा, या फिर आप इनरोल्ड हो किसी कोचिंग में तो ऑब्वियसली उसमें प्रोवाइड किया जाता है, कोई बुक प्रोवाइड की जाती है जिसमें पूरा समरी होता है, पूरा सिर्फ फॉर्मूलेज होते हैं, या फिर ऐप से ऑनलाइन पढ़ते हो अगर आप, तो उसमें भी शॉर्ट नोट्स प्रोवाइड किए जाते हैं, आप देख लेना जैसे भी आपको सुटेबल पढ़े, ईजी पढ़े, बिकॉज आपको ही पढ़ना है। सो थैंक यू।